हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिनोमियल के पार्ट थर्ड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। और उन बच्चों के लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस चैनल के थ्रू बेटर पैकेज या बेटर एजुकेशन मिल चुके, आपको टाइम पे रेस मिल चुके। रेस में आपके पास वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, जिससे क्योंकि हमारा जो मैथमेटिक्स कराने का, क्वेश्चंस बनाने का जो तरीका है वो ये है कि आप एनसीईआरटी पूरा कवर कर लें, उससे फिर आपको एक अलग से एडिशनल क्वेश्चन दिए जाएं जो 100% लगभग पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और वो क्वेश्चंस आप कर लेंगे और एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, ये तो आपको कोई अदर बुक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आप 80 में 80 करने के लिए पूरे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी से लिए कवर कर रहे हैं, उसके बाद जब कवर हो जाएगा तो फिर हम एडिशनल क्वेश्चन जो हम सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो उसी कंसेप्ट पे या वो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास, ठीक है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हैं वो भी हम लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप उसके लिए आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी और रेगुलर आपको अटेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशंस के लिए अगर नहीं अटेंड करेंगे तो नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी नहीं, तो आप क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका क्लास मिस होगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन्स को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी स्टडी करते रहें। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। पहले का पहला, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, इसके जीरोस फाइंड आउट करना है, तो इस पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर कर दे रहे हैं। जीरोस फाइंड आउट करना है तो जीरोस के बराबर कर देंगे। अब इसको कर लेते हैं, इस कॉफिशियन का मल्टीप्लाई मेट के साथ करें तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ में, तो 8 बनेगा। 8 का ऐसा कुछ करिए कि 2 बन जाए फैक्टर, तो 8 का फैक्टर करें कितना आपके पास में, 2 और क्या मिलेगा आपके पास में, 1। ठीक है, यहाँ पास 2 और 1, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मिलेगा, तो आप 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा आपके पास 2। कितना मिलेगा, 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2। ये क्या मिलेगा, यहां से और यहां से कुछ कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉमन लिए तो x माइनस 4 कॉमन आया x का, यहां से 2 कॉमन लिए तो x, ठीक है, यहां से लिए तो कितना क्या मिलेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई एक बार 4 और x की वैल्यू आ गई एक बार माइनस का 2, तो हमारे पास दो 0 मिल चुके हैं, x की इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस का 2। और अगर ये 0 मिल चुके हैं तो इसका रिलेशन भी फाइंड आउट करते हैं। रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 क्या है, माइनस का बी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस का बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है, इसमें से कोई एक अल्फा और कोई बीटा है, तो क्या होगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन से उठाइएगा, बी कितना है आपके पास में, माइनस का 2 है, तो माइनस तो पहले से लगा है और माइनस का 2 अपॉन 1, तो क्या मिला रिलेशन आपके पास में, मिला इधर भी आपके पास में अगर देखा जाए तो प्लस का 2 आ रहा है और इधर भी प्लस का 2 आ रहा है, इसका मतलब आर एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, होगा वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या लिखा जाएगा, सी बाई ए, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी बाई ए, अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 2 और सी की वैल्यू है माइनस का 8 और ये 1, तो कितना हुआ माइनस का 8 और इधर भी माइनस का 8, एल एच एस बराबर क्या है, आर एच एस। अगर एल एच एस बराबर आर एच एस है तो क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये वेरीफाइड है, क्लियर हो गई बात। आगे बात करते हैं फिर से इसमें, अब पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बात करते हैं इसी के,
आगे क्वेश्चन की। आपके पास में एक है क्वाड्रेटिक, ये है 4u² + 8u = 0। ये स्टैंडर्ड वाली से मैच नहीं कर रहा है, ax² + bx + c = 0 से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो करते हैं इसको कैसे करेंगे, यहां से देखिए दो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लो, 4 कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, u बच गया और प्लस का 2 बच गया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, या तो ये जीरो है या तो ये जीरो, इसका मतलब 4u 0 होगा तब 0 मिला होगा, या फिर u + 2 0 हुआ होगा तब 0 मिला होगा। तो अगर ये 0 होगा तो u की वैल्यू क्या होगी, 0 आई होगी, या फिर u + 2 0 हुआ होगा तो u की वैल्यू क्या आई, -2। तो u की वैल्यू 2 आई, u की वैल्यू एक बार 0 आई और एक बार क्या आई, u की वैल्यू -2। तो 0 क्या मिल गया, 0 और माइनस का 2। अब रिलेशन फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या है, वो है b/a- में, तो सम ऑफ जीरोस एक आया यू 0 है अल्फा और माइनस का 2 बराबर माइनस, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, बी की वैल्यू है 8 प्लस में और ए की वैल्यू है 4, तो माइनस का 2 इधर भी हो गया और माइनस का 2 इधर भी हो गया, तो LHS बराबर RHS हो गया इधर, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिलेगा आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, c/a। अल्फा और बीटा, अल्फा कितना आपके पास 0 और बीटा कितना है माइनस का 2, सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू कितनी है 4, इसका मतलब 0 इधर भी और 0 इधर भी, ये हो गया हिंस वेरीफाइड, LHS बराबर क्या हो गया RHS। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका फिफ्थ नंबर भी कर सकते हैं, फिफ्थ नंबर आपका एग्जांपल से मैच कर रहा है, एग्जांपल से t²-15 = 0 है, तो t की वैल्यू निकल के आएगी क्या, t² = क्या लेंगे, t² = 15, t की वैल्यू क्या निकल के आएगी, √15 प्लस माइनस में, जैसे वहां पास t²-3 करे थे, ठीक है। अब यहाँ पास t की जो वैल्यू एक बार माइनस का √15 है और t की वैल्यू जो है एक बार प्लस का √15 है, तो अल्फा एक बार आपके पास कोई आएगा माइनस का √15 और बीटा जो हो गया प्लस का √15, और सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लीजिए, आपको रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, वेरीफाइड हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का करते हैं, क्या है, कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द जीरो गिवन नंबर एज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस थ्री रेस्पेक्टिवली। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है और उसके सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं, सम ऑफ जीरो दिए गए, तो पहले का सेकंड का पहला है, सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हुआ वो कितना हुआ हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हुआ -1, इसका मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो गई -1, ठीक है, ये चीज हो गई। और अगर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है तो आप निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल क्या है, कल हमने बताया है कि पॉलीनोमियल कैसे बनाया जाता है, अगर सम जीरो दिया है, प्रोडक्ट दिया है और जीरोस दिया गया तब भी आप कैसे निकाल सकते हैं, x²-α+β x - α और β = 0 जो आएगा वही मिलेगा आपके पास में, x²-α+β की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1 = 0, तो ये हो जाएगा x²-x/4
और माइनस का वन इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर में है इस सब का एलसीएम लेने के बाद में डिनोमिनेटर में जो है उसे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या किया, फोर से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का फोर इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, लेकिन इस इक्वेशन को पॉलीनोमियल में कन्वर्ट करना, तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का फोर, ये आपके पास हो गई इक्वेशन, प्लस का फोर नहीं माइनस का फोर, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे भी बढ़ सकते हैं, यहां पास भी फिफ्थ नंबर आपको दिया गया है, सम दिया गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है कितना, माइनस का वन बाई फोर, पहला आपके पास सम है बाद में प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, यानी अल्फा और बीटा दिया गया है, प्रोडक्ट वो कितना दिया गया है, वन बाई फोर। फिर से वही फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस का सॉरी प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, माइनस का वन बाई फोर एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितना, ये बराबर कर दीजिए। एलसीएम कितना आपके पास, फोर है, और उसी से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एलसीएम फोर है तो फोर से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स और ये हो जाएगा वन इक्वल टू जीरो। तो पॉलीनोमियल क्या हो गया आपके पास में, पॉलीनोमियल हो गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन, ये हो गया पॉलीनोमियल, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा और आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल फाइव है आपके पास में, उसको भी कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल फाइव, हमसे बोला गया है कि वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई दैट थ्री माइनस वन वन माइनस टू आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना। चलिए, हमें क्या दिया गया है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वेरीफाई दैट थ्री माइनस वन माइनस का वन बाई थ्री आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि ये जीरोज है या नहीं है। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, इसको उठा करके रखिए आप इसमें, ठीक है। मतलब क्या कहता है ये, आपके पास एक जीरो दिया गया है माइन अल्फा थ्री, और एक दिया गया बीटा माइनस का वन, एक दिया गया गामा माइनस का वन बाई थ्री। आप क्यूबिक पॉलिनोमियल की आर पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है थ्री एक्स क्यूब माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का इलेवन एक्स माइनस का थ्री, ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है, हैंडल करना है, ठीक है। तो हम वेरीफाई कर रहे हैं, क्या वेरीफाई कर रहे हैं, पी थ्री इस जीरोज को इसमें रखेंगे तो जीरो हो जाना चाहिए, पी थ्री रखें क्या मिलेगा आपके पास में, थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन माइनस इलेवन इंटू थ्री माइनस का थ्री, कितना होगा एट्टी वन माइनस का फोर्टी फाइव माइनस का थर्टी थ्री और माइनस का थ्री, एट्टी वन इस सबको ऐड करके क्या आया, एट्टी वन क्या मिला, जीरो। इसका मतलब पी थ्री यानी थ्री को रखने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो थ्री क्या है, जीरोज है, ठीक है। सिमिलरली पी माइनस वन क्या रखे, माइनस वन क्या रख रहे हो, माइनस वन रख रहे हो इसमें, तो माइनस वन की पावर थ्री माइनस फाइव इंटू माइनस वन की पावर टू और माइनस इलेवन इंटू माइनस वन और माइनस का थ्री, क्या हुआ थ्री और ये क्या हुआ माइनस का फाइव और माइनस माइनस प्लस का इलेवन और माइनस का थ्री। अगर आप देखें इसको कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, सॉरी ये माइनस का थ्री होगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, माइनस का थ्री माइनस का फाइव माइनस का इलेवन, तो प्लस का इलेवन माइनस का इलेवन क्या देगा, जीरो देगा।
सिमिलरली पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, पी माइनस का 1/3, ये भी जीरो की वैल्यू जीरो मिल जाएगा। इसको पुट करके भी देखिएगा, ठीक है, कैसे रखिए, 3 इंटू माइनस का 1/3 की पावर 3, 5 माइनस 1/3 की पावर 3, 2 माइनस 11 इंटू माइनस 1/3 और माइनस का 3, करिए क्या मिलेगा आपके पास में, ये मिलेगा माइनस का 1/9, ठीक है। उसके बाद में क्या मिलेगा, माइनस का 5/9, फिर माइनस प्लस का 11/3, माइनस का 3। कैलकुलेट किया एलसीएम आया 9, ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 5 प्लस 33, और उसके बाद में फिर ये हो जाएगा 27, ठीक है। क्या दिखा आपके पास में, माइनस का 33 प्लस का 33 बाई 9, इसका मतलब क्या हुआ, 0। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि ये जो आपके पास दिए गए हैं अल्फा बीटा गामा, ये इसी के जीरोज हैं, क्योंकि सबको पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। अब कोफिशिएंट रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है तो आप लिखते जाइए सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस का बी बाई ए, सब आपके सामने है, रखिए और जीरो के बराबर करिए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है माइनस का 1 और गामा की वैल्यू है माइनस का 1/3। माइनस का बी क्या आपके पास में, रिलेशन से लीजिए, बी क्या, माइनस का 5, माइनस का 5/3, ठीक है, ये होगा। ए की वैल्यू क्या आपके पास में, 3 है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मिलेगा 3 2 6 6 में से आपका क्या हुआ, माइनस 1 हुआ, तो 5/3 मिल रहा है। इधर भी कितना मिल रहा है, 5/3 मिल रहा है, ठीक है। तो LHS RHS क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। आगे की तरफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गामा अल्फा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या लिखा जाता है, सी बाई ए लिखा जाएगा, सी बाई ए। सम अल्फा की वैल्यू 3 है माइनस 1 प्लस, बीटा की वैल्यू है माइनस का 1, गामा की जो वैल्यू है माइनस का 1/3, और फिर से प्लस, गामा की वैल्यू है माइनस का 1/3 और अल्फा की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, माइनस का 11 और 3, ठीक है। आई होप ये हो गया माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 1/3, और ये हो जाएगा माइनस 1 और इज इक्वल टू माइनस का 11/3। अगर कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, एलसीएम आया 3 इधर, माइनस का 9 प्लस का 1 और माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 11/3। तो ये क्या मिला कैलकुलेट, माइनस का 11/3 और माइनस का 11/3, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। आगे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करेंगे तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा गामा क्या है आपके पास में, माइनस का डी बाई है, ठीक है। आपके पास में अल्फा की वैल्यू 3, माइनस का 1, उसके बाद में फिर इंटू माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, डी की वैल्यू आपके पास में है माइनस का 3 अपान, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा और वो भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये वेरीफाई हो गया। LHS RHS बराबर आ गया, इसका मतलब रिलेशन कोएफिशिएंट और जीरोस का क्या है, वेरीफाइड है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए एग्जाम्पल 6 की बात करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, इसको समझते हैं। चलिए डिवाइड एग्जाम्पल 6 की बात करते हैं,
डिवाइड करते हैं इसको और उसको इसके एल्गोरिथम को भी वेरीफाई करते हैं। दिया गया है डिवाइड 2x² प्लस का 3x प्लस का 1 बाई x प्लस 2, ये डिवाइड करना है आपको। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं हम, फिर वेरीफाई करते हैं रिलेशन। इसको डिवाइड किया हमने x प्लस 2 से। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं, यहां पास जो है उसको बनाने के लिए, सेम इसी को बनाने के लिए हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए यहां पास। तो 2x² बनाना है तो आप इसमें x में एक बार x और मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन साथ में 2 भी होना चाहिए तो होगा। तो 2x² बनाना है, यानी एक पावर कम है इसमें, एक पावर ज्यादा हो जाए, क्या मिलेगा, 2x यहां पास रख दीजिए तो क्या बन जाएगा, 2x² सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, 4x मल्टीप्लाई होगा तो सब में होगा, लेकिन टारगेट क्या होता है कि इसी में मल्टीप्लाई करके रखें तो हमें बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। क्या होगा, साइन चेंज कर दें, ये खत्म हो जाएगा, ये कितना मिलेगा, माइनस का एक्स मिलेगा, प्लस का वन मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा क्या इसमें मल्टीप्लाई करें हम कि एक्स मिल जाए, माइनस का एक्स मिल जाए, तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स तो है ही यहाँ पास, वही एक्स आ जाएगा यहाँ पास, लेकिन साथ में माइनस होना चाहिए, तो इसका मतलब माइनस का वन मल्टीप्लाई करते, जैसे माइनस का वन मल्टीप्लाई करना ये मिल जाएगा पास, माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस का एक्स का माइनस इसमें मल्टीप्लाई माइनस का टू, ये साइन चेंज कर दीजिए, खत्म, ये 3 हो गया, ये चीज मिल चुका आपके पास में। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है एल्गोरिथम को, तो हमको क्या लिखा जाता है, डिविडेंड। ठीक है, रिलेशन इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए, डिविडेंड कितना आपके पास में, 1 प्लस का 3x और प्लस का 1 इज इक्वल टू, डिविजर कितना है x प्लस 2 और कोटियन कितना है 2x माइनस का 1, रिमाइंडर कितना है 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x² माइनस का x प्लस का 4x और माइनस का 2 प्लस का 3, क्या लिखा जाएगा, 2x² और ये क्या प्लस का 3x और प्लस का 1, ये तो वही चीज आ गया, तो ये वेरीफाइड है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, इसी तरीके से सारे करने हैं आपके, मैं अब क्या करना, डिवाइड कर दूंगा, आप रिलेशन वेरीफाई कर लीजिएगा इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 7 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 7 क्या कहता है, एग्जाम्पल 7 जो ये कहता है कि डिवाइड करो किससे, x² प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड करो, किसको डिवाइड करो, 3x³ प्लस x² प्लस का 2x प्लस का 5। ठीक है, डिवाइड करो, चलिए डिवाइड करते हैं, क्या करेंगे हम, x की पावर 3 बनाना है, साथ में 3 बनाना है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो एक पावर इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, पावर 3, लेकिन साथ में और भी एक चीज है 3 है, तो क्या करें हम, 3x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने 3x का मल्टीप्लाई किया, इसमें सब में होगा 3x³ प्लस 6x² और प्लस का 3x, ये बनेगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या बना, माइनस का 5x² और ये बनेगा आपके पास माइनस का x प्लस का 5। अब आपको 5x² बनाना है, फिर x² तो ऑलरेडी वहां है, तो क्या करें, केवल माइनस 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो है वही का मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 5 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला है, माइनस का 5x² माइनस का 10x और माइनस का 5 प्लस प्लस और प्लस, ये खत्म, क्या मिला आपके पास में,
नाइन एक्स प्लस का 10 ठीक है। तो आपके पास कोटियंट 3x माइनस 5 है और रिमाइंडर कितना ये है, ये r की वैल्यू आ गई, वो आपके पास q की वैल्यू है। इस तरीके से रिलेशन को वेरीफाई कर ले ठीक है। वह अब रिलेशन आप खुद को वेरीफाई करना है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोटियन प्लस रिमाइंडर, ये वेरीफाई कर लीजिए आप। उसके बाद आइए हम एग्जाम्पल एट की बात करते हैं। एग्जाम्पल एट क्या, एग्जाम्पल एट डिवाइड करना है किससे, एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं इधर, माइनस का सॉरी प्लस का एक्स और माइनस का वन अरेंज करके लिख लेते हैं तो हमको बेटर रहेगा। थ्री एक्स स्क्वायर नहीं, सबसे बड़ी पावर क्या है, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x² और माइनस का 3x प्लस का 5। चलिए करते डिवाइड करिए, एक्स की पावर 3 हटाना है, यहां पास एक्स की पावर 2 है ठीक है। तो क्या करें, एक्स की पावर 3 हटाना है, एक्स की पावर 2 है, इसमें एक और पावर आ जाए तो पावर 3 बन जाएगी। तो क्या मिलेगा, एक्स का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके पास में एक्स क्यूब माइनस का एक्स सॉरी प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स, ये बन जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, इसको बनाने के लिए समय मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस प्लस, ये खत्म हो गया, कितना बन गया 2x² और उसके बाद में 2x प्लस का 5, फिर से 2x बनाना है, प्लस का बनाना है, तो यहां पास क्या करो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हुआ, प्लस का 2x माइनस का 2x और माइनस का प्लस का 2 ठीक है, ये बन जाएगी आपके पास में। तो सब्ट्रैक्ट करें, ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, केवल बचा कितना 3 प्लस का 3, और डिवाइडेड रूल लगा लीजिए आप, उससे वेरीफाई हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी को हम कल डिस्कस करेंगे ठीक है, क्योंकि कल जो क्वेश्चंस हैं इसी इसको सीख लीजिए, और क्योंकि कल के जो क्वेश्चंस हैं इसी पे डिपेंड हैं और आपको समझ में भी आएगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, कल बात करते हैं हम आपको इससे।